म्यांमार की यात्रा। कल हम रुके थे नाथद्वारा, दर्शन करेंगे श्रीनाथ जी का, शुरू करते अपना 11वां दिन। तो बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। तो कोई बोलेगा कि सुबह के 6:30 बजे, तो दोस्तों हम आ गए नाथद्वारा में दर्शन और नेचुरल स्वयंभू मूर्ति। अच्छा, बीच में लिंग है इसलिए एक लिंग स्वयं प्रकट मूर्ति, इसका नाम कैलाशपुरी है। देखने अभी हम जा रहे हैं पापा रावल का पैनोरामा, मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ, तो चलते हैं। बापा रावल ने मेवाड़ से लेके आज के पाकिस्तान के रावलपिंडी तक अपना लोहा जमाया था, अपना गढ़ उन्होंने बनाया था और उनके नाम पे ही आज पाकिस्तान का रावलपिंडी बसा है बापा रावल के नाम से। और ये बहुत ही अच्छा पैनोरामा दो पहाड़ काट के बनाया गया है, ये उदयपुर की तरफ। आप देख रहे हैं मेरी 11वें दिन का सफर, हम निकले है 4 देशों की यात्रा के लिए, तो चलते आगे। अगर आप उदयपुर आते हो तो उदयपुर से भी 23 किलोमीटर दूर पे स्थित नागदा में आप स्वास्थ्य बहु मंदिर का दर्शन करके आगे एकलिंग जी और उसके आगे नाथ द्वारा का दर्शन आप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए अपना चैनल जग वेंचर जी। दोस्तों ये देखिए, ये हम घूम रहे हैं विजय स्तंभ में। टोटल ये बोल रहे कि 9 मंजिला है। देखो जहाँ अपने राजा महाराजाओं ने बलिदान दिए, जहाँ महारानियों ने अपने बच्चों के साथ जहाँ जोर किया, इस जोर स्थल को, इस किले को मैं शतशाह वंदन करता हूँ। मैं इस धरती को एक बार चूमना चाहता हूँ और मेरी यात्रा में आगे बढ़ाना चाहता हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा चैनल जग वेंचर जी, हम कर रहे हैं भारत, नेपाल, भूटान, करतारपुर, पाकिस्तान, म्यांमार की यात्रा, उसमें हम चित्तौड़गढ़ आए थे। तो दोस्तों इस प्रकार राजस्थान के सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ का पूरा दर्शन करके अभी हम जा रहे हैं आगे अजमेर की तरफ। अभी वक्त तो फिलहाल बहुत हो चुका है, ऐसा लगता है कि नीचे जाके चित्तौड़गढ़ में ठहर जाते हैं, लेकिन देखते हैं जहाँ तक जा सकेंगे वहाँ तक जाएंगे और कल हम पहुँच जाएंगे अजमेर में। कैमरा अभी चार्जिंग को लगा था दोस्तों, बहुत बैटरी उसकी डाउन हो गई है। ओके तो दोस्तों चित्तौड़ को बटन ही चालू नहीं किया था मैंने। चित्तौड़गढ़ से आगे चंदेरिया आने के बाद अपनी जो फैक्ट्री राज टायर्स की फैक्ट्री, क्या नाम भाई आपका? नासिर पठान। और आपका अंकल जी? अयूब खान। तो इन भाई साहब अभी मिल गए, बहुत अच्छा लगा, हमारी यात्रा के लिए शुभेच्छा दी। और ये देखिए अपना चैनल भी उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया। दबाओ सब्सक्राइब। घंटे का बटन भी दबा दिया, मतलब अगर हमने उधर से वीडियो डालेगा तो इधर घंटी बजेगी, नासिक से वीडियो डालेंगे तो इधर उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो धन्यवाद भाई आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते अभी आगे, कुछ नहीं, अजमेर की तरफ जा रहे हैं। अभी अजमेर तो नहीं जा पाएंगे, बीच में भीलवाड़ा रुक। ठीक है, ओके दिन का हमारा सफर
या अजमेर से लगभग 98 किलोमीटर पहले पंजाब रेस्टोरेंट नाम करके जगह है एक हाईवे पे ही, तो वहाँ पे हम रुके हैं और ख़त्म हो गए। और ये देखो ये आते ही लगेज तुरंत सो गया। आज है 18 जनवरी, हमारा 11वां दिन का एंड हम कर रहे हैं। अजमेर यहाँ से बचा है 87 किलोमीटर में, तो वो भी कर लेना चाहता था लेकिन आँख में बहुत दर्द हो रहा है। मेरा जो नाइट विजन का ग्लासेस थे, मेरे सनग्लासेस नाइट विजन के, वो खो गए क्या मालूम। बहुत धूल मिट्टी कंकड़ आँख में जा रही है, ऐसी चुभ रही है आँख को। और अगर आप नाइट को ड्राइव कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो आपकी आँखें तेज़ होनी चाहिए, और मेरी आँखें उतनी तेज़ नहीं रही थी इसलिए मैं बोला सो जाते हैं। अभी खाना खाया, अभी 190 रुपये की दोनों जन ने हमने, और ये 200 रुपये का कमरा लिया है, 390 रुपये दे के आज एंड कर रहे हैं। और बोलने की भी अभी मेरे पास ताकत नहीं बची दोस्तों, बहुत ही थक गया हूँ। तो 11वां दिन की सफ़र यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं, नया दिन नया ब्लॉग। कल जाएंगे अजमेर शरीफ दरगाह, पुष्कर और आगे जो जो देखेंगे वो देखेंगे अपने भारत करतारपुर पाकिस्तान नेपाल भूटान म्यांमार की राइड में। आज जो देखा उससे तो मैं बहुत ही खुश हो गया, ऐसे मन में मैं कुछ बहुत बड़ा देख लिया मैंने, चित्तौड़गढ़ देख लिया ऐसा लग रहा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, गोप्रो की बैटरी भी डाउन हो रही है तो सो जाता हूँ अभी, और मिलते हैं कल। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और तब तक के लिए सब खुश रहे, हंसते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज मोइनुद्दीन चिश्ती के दर पे आए थे, अजमेर शरीफ के दर्शन हो गए और बहुत अच्छा लगा। 8 जनवरी को शुरू किया अपना सफ़र, आज अजमेर दरगाह तक पहुंच गए हैं, और अजमेर से अभी हम जाएंगे पुष्कर, पुष्कर से आगे जाएंगे जयपुर की तरफ। तो सब लोग खुश रहे, सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग, सब हंसते रहे, खेलते रहे और खुशी से रहे, यही कामना करके और अपनी यात्रा आगे अच्छी हो, यही दुआ। चलते हैं आगे।